भाजपा पर लगाया माफिया का इल्जाम। माफिया के अधिकतर लोग बीजेपी के हैं और बीजेपी के लोगों को छोड़कर जो लोग होंगे उन पर ही कार्यवाही हो रही है। ग्वालियर दौरे को लेकर बताया, जौरा में पदयात्रा और रैली है। इसके अलावा डॉक्टर गोविंद सिंह की जो पदयात्रा चल रही है उसमें भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्ट्रीट वेंडर को संबोधित करने हेतु बताया, आज प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स को संबोधित करके उनसे बात करेंगे, लेकिन रोज स्ट्रीट वेंडरों को अपनी जगह से हटाया जा रहा है। मुख्यमंत्री रोज कहते हैं ठेले वालों को मत हटाओ, लेकिन फिर भी उन्हें हटाया जाता है, जबकि स्ट्रीट वेंडर अपना पेट भरने के लिए सड़कों पर खड़े रहते हैं। इस तरह की योजनाओं का कोई मतलब नहीं है। मास्टर प्लान को लेकर कहा, मास्टर प्लान की जो सुनवाई हो रही है ये वर्चुअल नहीं एक्चुअल होना चाहिए। इसमें समझ नहीं आता है कि वो बोल क्या रहे हैं। अभी मेयर और जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं जो सीधे से इससे जुड़े रहते हैं, जो सिटी मास्टर प्लान है इसमें वह लोग होने चाहिए। कोरोना को लेकर कहा, कोरोना केस भोपाल में 261 और 1,00,000 से ऊपर हिंदुस्तान में आए हैं। देश और प्रदेश की सरकार दोनों ही फेल हो चुकी है। लॉकडाउन भी हुआ लेकिन कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पाए, इसमें देश की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। इससे अच्छा वह लोग थे जिन्होंने आर्थिक स्थिति पर और कोरोना पर दोनों पर कंट्रोल कर लिया। सरकार की दीनदयाल योजना पर कसा तंज, 6 महीने से लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। जो गरीब राशन दिया जाता है उसमें घटिया चावल सामने आया है, वह घटिया चावल सरकार ने लोगों को परोसा है, ये क्या देंगे लोगों को पौष्टिक भोजन। वेंडर योजना शुरू हो रही है आज प्रधानमंत्री जी उसका शिलान्यास। स्ट्रीट वेंडर योजना शुरू हो रही है 11 बजे नगर निगम भी यहाँ अपना एक स्क्रीन लगा के उसका न्यू मार्केट में कर रहा है, लेकिन रोज तो स्ट्रीट वेंडर को हटा रहे हैं, क्या फायदा क्या इस योजना का। कल भी यहाँ पे चौराहे पे कोलार चौराहे पे कई लोगों को हटा दिया गया फोर्सफुली, तो स्ट्रीट वेंडर का मतलब ये है कि उनको चलने दो, वो काम कर रहे हैं, उनको आप 10,000 रुपये का लोन देने की बात की तो वो दीजिए ना, उसको हटाने से क्या मतलब। भाई एक ही समय आप योजना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से वो करा रहे हो उद्घाटित और उनको हटा रहे हो। सर भूपेंद्र सिंह ने उसको बहुत